दो स्टेट चुनाव के दौरान कई मंदिर में उनका लगातार जाना जारी है और आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं जहां प्रधानमंत्री पहले जा चुके हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन हिंदू मंदिर में जाना और राहुल पटेल समुदाय को प्रभावित करना चाह रहे हैं या अपने आप को हिंदूवादी पार्टी के रूप में खड़ा करने की सोच रहे हैं, वोटर को अपनी ओर तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी पहले बार 70 साल में ये महसूस कर रहे हैं कि एक हिंदू प्रधान राष्ट्र में हिंदुओं का जो भावावेग है उसको सम्मान करना चाहिए और इसीलिए शायद वो मंदिर से मंदिर जा रहे हैं। लेकिन 70 साल का जो तुष्टिकरण का राजनीति उनकी पार्टी इस देश में चलाई है और जितने दंगा फसाद करवाए हैं, शायद उनके ऊपर लेपापोती करने के लिए आज वो अक्षरधाम मंदिर में जा रहे हैं और उनके परिवार, उनके वंश इस देश में जो तुष्टिकरण का राजनीति की जहर फैलाए हैं, शायद उनको लग रहा है कि ये जहर जो है वो बहुत अंदर तक घुस गया है, तो इस जहर को थोड़ा सा अगर हमने नहीं उतारा तो शायद कांग्रेस मुक्त भारत हो ही जाएगा। तो आज राहुल गांधी का बहुत बड़ा कंपल्शन है